मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं एक कट्टर हिंदू हूं। बात मुद्दा यह है कि कल रात को मेरे कुछ मित्रों का फोन आया। उन्होंने बोला मुझसे कि भाई मनीष भाई कुछ हेल्प चाहिए, मैं ऐसे से प्रॉब्लम में हूं, तकलीफ में हूं। तो मैंने एजाज खान अल्लाह के बंदे फाउंडेशन को फोन लगाया और मैंने उनसे बोला, एजाज खान इतना अच्छा काम कर रहा है अल्लाह के बंदे का फाउंडेशन, वो बंदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ काम करता है, लोगों को अनाज दे रहा है, लोगों को कपड़े दे रहा है, बच्चों के स्कूल का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको फीस दे देता है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए, और ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा देशवासियों से कि एजाज खान का फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को हेल्प किया है और सारे हिंदू भाई को हेल्प किया, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस पर उसको बिलीव जरा भी नहीं है। और मुझे भी उसने हेल्प किया, बहुत बार हेल्प किया है मुझे भी, ऐसा एज ए फ्रेंड है मेरा, मेरा भाई है वो। थैंक यू सो मच अल्लाह के बंदे फाउंडेशन के लिए, हमारे लिए, हमारे दोस्तों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच एजाज भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन से मैं सागर, और भाई की तरफ से, एजाज खान भाई की तरफ से तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई को, जो भाई बहुत सारे गरीबों को हेल्प कर रहे, बहुत सारा अनाज बांट रहे, और ये अल्लाह के बंदे से टीम से बहुत जन जुड़े हैं। तो दोस्तों प्लीज़ जो भी आपसे पॉसिबल है, जो भी आपसे जम रहा है, गरीबों को हेल्प करो, कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाओ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी अपने देश का या कोई भी बंदा भूखा ना सोए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दो में याद रखना। तो हम लोग जो घर घर पे जाके, जो सच में जरूरतमंद लोग हैं उनके घर पे जाके दे रहे कि राशन ही नहीं मिल रहा, राशन दुकान आप देख रहे हो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, तो मैं इनके घर पे भी देने आया। नमस्कार, अनाज मिल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो 10 राशन का गोली में बांट रहा हूँ विक्रोली में भाई की तरफ से, तो अभी उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो जस्ट अभी मैं देने आया, जो जरूरतमंद है, बहुत ही जरूरतमंद है, उन लोगों को दे रहा हूँ। तो ये मैं बांट रहा हूँ जो भाई की तरफ से आया हूँ। तो दोस्तों आप, आपकी तरफ से जितना भी हो रहा है लोगों को, जो भी जरूरतमंद है उन लोगों को, तो आपकी तरफ से भी अनाज जो भी है, खाना पीना, कुत्ते बिल्ली को भी प्लीज दे दो। और ये भी अभी मैं अनाज लेके आ रहा हूँ भाई की तरफ से, अभी वर्षा से जो भी मैं 10 गोनी लाया हूँ, जो भी जरूरतमंद है लोग, जिनके जिनके घर पे अनाज नहीं है, मिल रहा नहीं है राशन की दुकान पे। और ऐसा नहीं कि ये जो वीडियो बना रहे, कि ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो बना के कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ ये नहीं कर रहे, बस ये वीडियो इसके लिए बना रहे कि सही से जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कराए, सही से उन तक पहुंचे, ताकि वो आगे और हम लोग को हेल्प कर सके। इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे, ताकि हम लोग घर घर जाके अनाज दे रहे। ये कोई वीडियो बनाना कुछ गलत काम नहीं है, बट हम लोग अच्छे जगह पे और सही से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बस यही है। तो आप भी जितना हो सके आपकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, दो हमें याद रखना। जब से लॉकडाउन हुआ है, किसी ने हमको ना सरकार की तरफ से, ना या तो किसी, या तो MLA की तरफ से हमको राशन दिया गया। हम लोग सब रिक्शा वाले हैं, हमें किसी की तरफ से मदद नहीं मिली, मगर एजाज भाई ने उनको कहा और उन्होंने तो फटक से हमें बुलाया, और वो अल्लाह का बंदा ही है जो हम सबको राशन दिए। हमको किसी ने आया तो बुलाया नहीं, हम लोग अंधेरी गिलबटी से आए, हमको किधर से भी मदद नहीं मिली, मगर एजाज भाई को हमको, हमने बोले तो एजाज भाई ने हमको ताबड़ तो बुलाया है और हमें सब ये राशन दिया है, आप देख लो। एजाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और एजाज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एजाज भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह खैर, अल्लाह उनको और दे, अल्लाह उनको सलामत रखे। और ये लोग सर ट्विटर पे निकल गए सेम 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 करके, और हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हो। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम आपने ये किया कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते हो सर। आदित्य ठाकरे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सारे बैठ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, और हम मुसलमान और महाराष्ट्र के सारे लोग आपके साथ में है सर, हम आपके साथ है सर। दुआओं में याद रखना, ये षड्यंत्र को समझना क्या हो रहा, और जो हिंदू इन कमीनों को सपोर्ट कर रहे हैं, कोरोना तुमसे ये नहीं पूछेगा कि आप बीजेपी के आदमी हो तो हम आपको नहीं लगेंगे, हैं? सबको लगेगा कोरोना, याद रखना, क्योंकि कोरोना आया है इसलिए कि जागो ना, जागो ना, कि अभी भी जागो ना भाई। हिंदुस्तान को ये इन्होंने उलझा दिया हिंदू मुसलमानों में, ताकि कोरोना पे कोई सवाल ना कर सके। अरे अब तो वक्त आया, एक हो जाओ हिंदुस्तानियों, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, भगवान के वास्ते एक हो जाओ, जीजस के वास्ते एक हो जाओ, वाहेगुरु के वास्ते एक हो जाओ, शिवाजी महाराज के वास्ते एक हो जाओ, राम के नाम पे एक हो जाओ, लेकिन एक हो जाओ।